हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे स्टडी ब्लॉग में। तो आज का मेरा ब्लॉग है Day 5 केट प्रिपरेशन, क्योंकि 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है केट प्रिपरेशन का। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:30 बज रहे हैं, तो अभी से मेरा टाइम टेबल स्टार्ट होगा कि कब तक पूरा चलता है। तो मैं आपको टाइम टेबल का शेड्यूल दिखाता हूँ एक बार। ये होगा जो आज का टाइम टेबल, जो मेरा टोटल शेड्यूल रहेगा। जैसे आपने उसमें देखा होगा कि 3 बजे दिखा रहा है, 3 बजे से स्टार्ट था, तो एटलीस्ट जैसे 30 मिनट्स का एक डिले हो गया, तो एक एक हिसाब से वो 30 मिनट्स में एडजस्ट कर लूँगा आगे के लिए। 30-30 एडजस्ट करके मैंने पूरे के पूरे की 12 आवर्स कम्प्लीट करने हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सुबह के 6 बज रहे हैं, तो जो मेरा सेशन चला था ये 3:30 से 6 बजे के करीब चला था, जिसमें मैंने नेटवर्क एनालिसिस का लेक्चर्स देखे थे और उसके नोट्स वगैरह बनाए थे। तो मेरा जो दूसरा सेशन होने वाला है वो है EMFT का, और ये मैं ट्राई करूँगा 6 से 9 बजे तक कंप्लीट हो जाए। तो यार, बीच का जो सेशन था वो मेरा थोड़ा फ़ोन में बैटरी के कारण वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं आपको थोड़ा शेड्यूल बता देता हूँ क्या हुआ। इवेंचुअली जो मेरा 3 से 6 बजे के बीच में जो मेरा नेटवर्क एनालिसिस था वो मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 6 से 9 के बीच मेरा EMFT था, वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद 9 से 11 मेरा रेस्ट था, उसके बाद मैंने कंटिन्यू करना था अपना मैथमेटिक्स, पर ड्यू टू सम रीज़न वैक्सीनेशन थी मेरी। फर्स्ट वैक्सीनेशन तो कंप्लीट हो गई थी, तो दूसरी की अभी बारी आ गई है, तो इस वजह से ये बहुत बड़ा इंटरप्शन आ गया, क्योंकि उसको लगने के बाद रेस्ट भी करना पड़ता है। तो इवेंचुअली जो स्टडी व्लॉग था प्लान, क्योंकि मेरे 6 घंटे कंप्लीट हुए, 12 आवर्स नहीं हुआ बीच। अब जो मेरे 6 आवर्स रह गए, इसको मैं एडजस्ट करूँगा आगे जितनी मेरी वीडियोज़ होंगी। आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड ऑल्सो।